जो आपने काम सीखा है उसके बारे में बताइए, क्या आपको विश्वास है कि जाकर के काम कर सकते हैं? सर मैं तो कर लेंगे, पहले इससे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिक में थोड़ा हाउस वायरिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस भी था और थोड़ा बहुत मोटर बाइंडिंग में भी एक्सपीरियंस था। हाँ। लेकिन सर मेरा एक दोस्त है यादव है। अच्छा। वो आप सर आप दूसरी जगह जब MI में पढ़ाते थे तो आपसे वो आया था, उस बैच में सीख के गया था अगले ही सीजन में। सर वो मतलब जनवरी फरवरी में आया था सर, सीख के गया था, तो भी मतलब वो मैं तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आप आ जाएंगे। हाँ। उससे हमारा मुलाकात मतलब हफ्ते में हमेशा होता था, तो वो अचानक ही मेरे को कॉल किया कि आप ये करना चाहते हैं। मैं बोला करना चाहता हूँ सर। बोले कि सर खोले हैं इंस्टीट्यूट, नया ओपनिंग हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा लो। नंबर भी दिया आपसे, फिर बात भी हुआ सर जी जी, और मोबाइल से ही मैं अपना आधार कार्ड भेज दिया, आप रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया। हाँ। उसके बाद आए 10 जुलाई से मेरा वो बैच चालू हुआ था। तो जो हमने इतने सफर में मान लेते हैं कि 10 जुलाई से आज 4 सितंबर तक जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने हाउस वायरिंग का तो पहले से नॉलेज था, इसके बाद आपने मोटर वाइंडिंग पढ़ा, इसके बाद फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर, जो जो आपने पढ़ा है, क्या आपको विश्वास है जाकर बना सकते हैं? सर हम बना सकते हैं 100% मेरे को पूरा विश्वास है। हाँ। जैसा यहाँ सर कोई ऐसा कोई सिखाता नहीं कि हर लड़के को, अगर 12-15 लड़के हों तो हर पर एक लड़के को मतलब प्रैक्टिकल का मौका मिलता है कराने के लिए, ऐसा तो कोई स्टूडेंट में नहीं मिलता, क्योंकि एक लड़के एक बच्चे करेंगे बाकी सब लोग देखते हैं जी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ तो सभी को मौका मिली है, एक बार नहीं हुआ तो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आपका 45 दिनों में नहीं आपका सीख सकें तो आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा सर, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो यदि आपको जो काम करने जाएंगे तो इसके अंदर AC अगर मिल जाए तो अपना खुद काम कर सकते हैं, विश्वास है? सर हम कर सकते हैं, हमको हमको इतना विश्वास है हम सर कर सकते हैं। तो चलिए, अगर उधर से कोई आना चाहता है तो उसके लिए कुछ कह दीजिए। सर हम तो ये सोचता हूँ अगर जिसको आना है सर AC और टेक्नीशियन के सीखने के लिए, AC या फ्रिज जो भी हो सर, अगर शुरू से सीखेगा तो उसका थोड़ा अच्छे से सीख पाएगा, हर चीज़ नॉलेज होगा, हर चीज सिस्टम से मालूम होगा। अगर जिसको सीखना है पहले अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो ट्रायल क्लास 2-3 दिन का है, ट्रायल क्लास देख करके विश्वास अगर हो जाए तब सीखिए, और क्योंकि ट्रायल क्लास जल्दी कोई देता नहीं सर। हॉस्टल में बताइए कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई सर कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है सर। हॉस्टल के अंदर जो इन्वर्टर वगैरह की जो सुविधा है उसके बारे में? वो सर तो कोई पूछो मत, अगर हम तो खुद ही यहाँ से जाने वाले नहीं थे, क्योंकि गांव की बिजली बराबर नहीं रहता यहाँ। हाँ। तो हमेशा कोई गर्मी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इन्वर्टर लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर की सुविधा हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है सर, और मतलब पास में ही लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है सर, और ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा, जिसको सीखना है भाई आके अपना सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, और कुछ बताइए अपने बारे में, जाने के बाद अपना कुछ धंधा करेंगे, दुकान शॉप क्या करने वाले हैं? क्योंकि वायरिंग के अंदर आपका मार्केट बना हुआ है। मेरा तो 50% मार्केट बना है सर, मैं तो कस्टमर फोन भी करते हैं, मैं तो बोला हूँ कि आया हूँ करने के लिए, तो सभी लोग सपोर्ट किए हैं, बोलो कि सीख लो अच्छा काम है, वॉशिंग मशीन भी बोले दुकानदार, तो बहुत लोग सपोर्ट किए हैं कि वॉशिंग मशीन तुम ज़्यादातर सीख लो जी। देखिए दुकानदार ने आपको सपोर्ट किया है कि आप घर के अंदर जब वायरिंग का काम करते हैं तो आप कोशिश करिए कि हर एक काम का नॉलेज लीजिए, क्योंकि वायरिंग काम करने जाएंगे और आपसे कोई कहेगा हमारी वॉशिंग मशीन बिगड़ी हुई है, फ्रिज बिगड़ा हुआ है, AC बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए उनको दूसरा मिस्त्री क्या हो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो घर पे सारे लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों को ही बुलाना चाहते हैं, और जिससे कुछ इसका व्यवहार बन जाता है, समझ रहे हैं ना, तो उसी को बुलाना चाहते हैं। तो अगर एक ही आदमी अगर उसका सारा काम कर लेगा तो उनको भी क्या लगता है, अच्छा लगता है कि एक काम, एक ही आदमी से हम सारा काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके वजह से ऐसा नहीं कि हाउस वायरिंग काम सीख रहे हैं तो खाली हाउस वायरिंग का काम करिए, सारा काम अगर सीखेंगे तो किसी भी घर पे जाकर के आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सारे दुकानदार कहते थे कि वॉशिंग मशीन का काम सीख लेना, फ्रिज का काम सीख लेना, AC का काम सीख लेना, जिससे अगर आप किसी के घर जाएंगे तो उसके सारे उपकरणों को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि सर मैं कहीं भी जाता था रिपेयर के लिए, सर्विस के लिए, तो कस्टमर मेरे को बोलते थे, अगर जो नहीं बनाने आता था वो भी मेरे को ही बोलते थे कि जाओ बनवा के लाओ। हाँ। तो इतना उनको लोग को विश्वास का, क्योंकि दूसरे पे भरोसा कम करते हैं, भरोसा कम हमको क्या है, हम थोड़ा इस फील्ड में जानते हैं, जिसको भाई जो जानकारी लेके जाते थे रिपेयर करा के ला के देते थे, क्योंकि आपको भी अपना कस्टमर बनाना है, बनाना है, तो आपको जाना ही पड़ता था उनके साथ, ना तो नहीं बोल सकते सर, इसलिए मैं भी जाता ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको भी तकलीफ होता, नॉलेज नहीं है, सही बात, तकलीफ होता, दूसरे को बनवा रहे हैं पैसा भी ज्यादा ले रहा है, यही मैं भी सोचा कि खुद अपने से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन यहाँ आने पे हमको जो शंका था, जो डाउट था सर, वो पूरा
100% मेरे को पूरा हासिल हो गया सर। तो जा करके खुद काम कर लेंगे? खुद काम करेंगे सर्विस में, मतलब अपना खुद दुकान सर्विस सेंटर डालेंगे सर। तो कोई अगर वहाँ से आना चाहता है तो क्या कहेंगे, कहीं से आना चाहता है तो सर मैं बोल लीजिए सीधे। मैं तो सर पूरा सपोर्ट करूंगा कि वो आके यहाँ पर सीखे, अगर नहीं विश्वास है तो नहीं ज़्यादा, तो जैसे घर पे ही 2-3 दिन घूमते रहते हैं तो ऐसा ही यहाँ के 2-3 दिन आकर ट्रायल क्लास ले लें, उसके बाद अगर उनका विश्वास बने तो सीखें, क्योंकि किसी को जल्दी विश्वास नहीं होता 45 दिन में, क्योंकि हम खुद ही इलेक्ट्रिक का 10 साल हाउस वायरिंग किए, जिस जो मेरे को सिखाए थे जी, हमको खुद ही नहीं बताया कि ऐसे काम करो, ऐसे में हमने अपने अनुभव से किया, इसीलिए किसी को जल्दी विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो आएगा खुद यहाँ पे अगर ट्रायल क्लास करेगा तब उसको मालूम चलेगा, तब इसको विश्वास होगा हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, हम भी जाके सीख सकते हैं, क्योंकि अपना लाइफ बनाने के लिए बनाओगे तभी कुछ कर सकोगे, और लाइफ नहीं बनाओगे तो आज के डेट में कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि आज आने वाले फ्यूचर में एसी फ्रिज और वॉशिंग मशीन गीजर आरो इन्हीं पाँचों का क्रेज ज़्यादा बढ़ने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक्स सर।